गुड मॉर्निंग रिशु, गुड मॉर्निंग। आज रिशु यशुनी का ये लेके जा रहा है। यशुनी का है ये, ऐसे करना वहाँ पे है मेरा ये। गुड मॉर्निंग। तो आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। ऋषु चला गया है स्कूल और मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा है, ना ठंडा ना गर्म। हमारा जो ऋषु है उसके थोड़ी सी जुकाम हो गई, यशविनी के तो हो ही रखी थी बट ऋषु के भी हो गई। तो आज मैं सोच रही हूँ कि जब ऋषभ स्कूल से आ जाएगा और शाम को 6 बजे 6:30 बजे के समथिंग यहाँ पे एक डॉक्टर बैठता है अपने क्या बोलते हैं इसको शिखावत मार्ग के अंदर, तो वहाँ पे मैं उसको दोनों को दिखा के लेके आऊँगी। सारे ना कमेंट ये आ रहे थे मतलब परसों वाले व्लॉग में कि ये ना ज्योति भाई साहब आ रहे हैं, ज्योति भाई साहब आ रहे हैं। तो इतने सारे कमेंट आए ज्योति भाई साहब के लिए। तो ज्योति भाई साहब भी आएंगे जब उस घर का इनॉग्रेशन होगा और बनाव कुंभ भी आएंगे, किहू भाई साहब भी आएंगे। तो आने वाले व्लॉग्स में आपको ज्योति भाई साहब भी देखने को मिलेंगे। और अब चलते हैं अंदर, अंदर जाके चाय वगैरह मैं बनाती हूँ। चाय तो अभी नहीं बना सकती क्योंकि ये ना दूध नहीं है बिल्कुल भी। जैसे दूध वाले भैया आएंगे ना फिर उसके बाद में मैं चाय बनाऊंगी। पहले आज हमारे घर में बनने वाली है काचरे और हरी मिर्च की सब्जी। ऋषु के पापा होते तो वो तो खुश हो जाते। आज बुआसा हुकुम काचरे की सब्जी बना रहे हैं और के भाई मेरा वीडियो मना बना लीजिए, मैं कि वीडियो कौन बनाऊ, मैं सिर्फ काचरा काचरा दिखाऊ मैं। और मैं ना आज काचरा खटका खा रहा है। वो ऐसा खटका है काचरा, जाइल का काचरा है। पर हम चेक कौन करना पड़ेगा कि खारा मीठा, आजकल खारा मीठा वाला सिस्टम गयो। यहाँ पे ऑयल आ रहा है और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की। हम खाएंगे आज ब्रेकफास्ट में पोहे। पर बनिए दो तीन आ गया गाइस, देखो चिराना लीजिए मंकी आ गए, लाल मुंडाला हो रहे काटते बनी वो एक और आए आप कन बनी आज के पर चिराना बनी हो ये लाल मुंडाला खतरनाक हो तो है। तो गाइस पोहे वगैरह बना के खा लिए हमने और सब्जी मेरे बुआसा हुकुम ने बना दी। और अब मैं बना रही हूँ चपाती, फटाफट से चपाती बना के सबको खिला के और फिर उसके बाद में बुआसा हुकुम जाएंगे एग्जाम दिलाने के लिए। बस नहाना नहाना बाकी है, यशविनी को भी मुझे नहलाना है बट मैं आके नहलाऊंगी। अभी मैं छोड़ने जा रही हूँ बुआसा को और लवली, और लवली की फ्रेंड को कहाँ पे अपने शिखावत मार्ग नहीं है क्या वहाँ पे, और वहाँ से या तो टेम्पो मिल जाएगा और वहाँ से ना कालवाड़ के लिए एक बस भी जाती है। अगर बस मिल जाए तो और भी अच्छा है क्योंकि हम लेट हो चुके हैं। इनकी जो इनका जो एग्ज़ाम है वो है 2 बजे का और यहाँ आप देख सकते हो 1 बजने वाली है, मतलब 1 घंटा बाकी है। क्या पता ट्रैफिक भी मिल सकता है आपको, बताइए यार। एग्ज़ाम पर तो ना आधा या 1 घंटा पहले चले जाए ना, तो आपको तो कहीं आने की जरूरत नहीं है, अपन दोनों तो घर पे जाएंगे, नानी नानी करेंगे, अपन को कोई नहीं लेके जा रहा। वापिस आ रहे हैं ठीक है बाय, बेस्ट ऑफ लक। नाना धोना हो गया और अभी यशविनी को मैंने भेजा है गार्डन के अंदर क्योंकि वो नहा के आई थी। उसका भी मैंने हेड वॉश किया था ना, तो मैंने सोचा कि वो धूप में थोड़ी देर रहना चली जाएगी ना, फिर उसके बाद में उसके थोड़ा सा जुकाम भी सही हो जाएगा और साथ में बाल वगैरह भी उसके सूख जाएंगे। और मैं अभी वेट कर रही हूँ ऋषु का। ऋषु जैसे ही स्कूल से आ जाएगा ना तो वो दोनों को है ना हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा क्योंकि दोनों की ही खतरनाक वाली जुकाम हो रही है। और कल्पना मैम आज शायद, मेरे को ऐसा लगता है आ जाएंगे। मैं अभी उनको भी फ़ोन करके पूछूंगी कि कितने बजे आएंगे क्योंकि कल्पना मैम की जो बेटी है पार्थवी उसके फिर से है ना 102 या 103 के समथिंग बुखार हो गया और उसको एडमिट कर रखा है 2-3 दिन के लिए। कल्पना मैम भी नहीं आए और आज शायद मेरे को ऐसा लगता है कि कल उनको छुट्टी मिल गई और आज कल्पना मैम आ जाएंगे। सैटरडे संडे को भी अब मेरे हिसाब से क्योंकि काफ़ी सारी छुट्टियां हो गई तो कल भी आएंगे। तो पहले कल्पना मैम को फ़ोन करके उनकी टाइमिंग के हिसाब से मुझे बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि अगर वो अभी आते हैं तब तो मैं अभी नहीं जाऊँगी, शाम को जाऊँगी। अगर वो शाम को आते हैं तो फिर मैं अभी जाऊँगी। देखो फ़ोन करके हमारे ऋषु से गाइज मिल सकते हो। अब इसने जैकेट पहनना स्टार्ट किया जब इसकी सर्दी लग गई और मैंने आपको सॉक्स के लिए बोला था ना, पहन रखा था तो फिर आवाज़ भी नहीं निकल रही ऋषभ आपकी। और मैम आने वाली है 5 मिनट में, फटाफट से ना ये चेन वगैरह बंद करो और सॉक्स पहनो और नीचे जाओ। डांटू मैं आपको? हाँ। नॉटी, सॉक्स कहाँ आपके, पहन के नहीं रखते सॉक्स? बोलो कहाँ है सॉक्स? आज ये ड्रेस देखो कौन सी पहनी है यशविनी ने,
आप पिन्नी दीदी को दिखा के आई हो ना? क्या बोला पिन्नी दीदी को आपने? पिन्नी दीदी ने कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला? नहीं। आपकी मैम आने वाली है अभी 5 मिनट के अंदर। कितने मिनट में? 5 मिनट के अंदर। काफी दिन बाद में मैम आए हैं। बेशरम लोग हैं कि बच्चे से मिलने नहीं आ सकते जयपुर की। जयपुर में कहीं के व्लॉग बना रहे हैं, बड़े बेशरम है। ये भाई बना हुआ है, ये देखो, ये भाई एक दिन फोन करके नहीं पूछा। ऋषि के पापा नहीं थे ना, नहीं तो आते। हमारे मेहमान आ गए, आपको पता नहीं है? ये कौन से भाई हो? आपने फोन किया एक दिन अपनी बहन को? है बेशरम भाई, तुम्हें कहते हैं बेशरम भाई। किया था फोन। और तू कौन सी बहन है? अटेंशन में आएगी लान। आज सोचा कहीं टक आई हो रही। ये टेंशन में आ गई, ये सोच रही कि भाई क्या चल क्या रहा है। तो हो रहा है, पर समझ से पर है। बोले आते चिल्लाती हो रही है, बोले चुप ही नहीं हुई हमारी मैडम। चलो यशविनी पढ़ाई करो। आ जाओ मैडम। ठीक है मैम, चलो पढ़ाओ आप। सब मैंने वहीं पे सेट वेट कर रखे हैं दोनों बच्चों के। काम नहीं करना है तुम्हें, इस साइड नहीं बैठना है मैम, रूल के हिसाब से मैम है। ऐसे पसंद जाएगा थोड़ी देर में। यशविनी मेरी यहीं पे बैठती है ना, यशु मैम के सामने बैठती है ना। स्कूल अच्छा सो है नहीं। अब इसके भी एग्जाम आने वाले हैं मैम। मेरे पास मैसेज है कि आपके यशविनी के भी एग्जाम आने वाला है। यशविनी क्या करेगी? इतने दिन से स्कूल में कल्पना मैडम मिली थी क्या आपको? स्कूल में आई थी क्या कल्पना मैम? इसको याद ही नहीं रहता। हॉस्पिटल में तू सेवा करती थी। चलो मैम बाय, पढ़ाओ आप। लाओ बेटा नोटबुक। तो गाइज मैम आ चुकी है और मैं ये सोच रही हूँ कि है ना मम्मी के पास है ना, काफ़ी दिन हो गए गए हुए, तो मम्मी के पास जाके आती हूँ। और साथ ही साथ ये जो बच्चों के कपड़े हैं ना, ये भी भरा पड़ा है, उधर भी है। तो ये जो भी है ना नीडी बच्चे हैं ना, उनको दे के आऊँगी, उनको जरूरत है। आप सबको पता ही है सारे ही विंटर वाले। यशविनी के और ऋषु के जो भी कपड़े छोटे हो गए ना, वो सारे कपड़े मैंने डिग्गी में डाल लिए। अब जाके मैं पहले तो मम्मी के पास जाऊंगी और फिर मम्मी से बातें बातें करूंगी, क्योंकि दो ढाई घंटे है ना बच्चों के पास मैम है। और फिर उसके बाद में भुआ सा हुकुम भी आ जाएंगे और मम्मा से भी मिलना हो जाएगा। साथ ही साथ ये वाला काम भी मैं करके आ जाऊंगी, जिससे क्या हो गया, क्योंकि अब ना आपको पता ही है सर्दी स्टार्ट हो गई और उनको भी जरूरत है, तो उनकी भी नीड पूरी हो जाएगी। मम्मी हेलो। हेलो गाइस। देख रहे हो ऑनलाइन मीनाक्षी भाई साहब को देख रहे हैं। देखने मेरे को ऐसे देखना नहीं आता है, जैसे अब ये ऑनलाइन है ये सिखाना। अच्छा लाइव को देखना है? देखने को नहीं आ रहा है। तो लाइव वही तो है, और क्या है? लाइव तो है सामने। आज तो बहुत सुंदर कपड़ा पहने हो। तो खड़ी हूं दिखाऊंगी भाई पूरी प्रॉपर तक एकदम। ओहो डाई वाली एकदम तैयार। आईब्रो नहीं बनवाए हैं गाइस, खास करके फोन के ब्लॉग के लिए तैयार होना पड़ता है गाइस, क्या बताएं हैं। हाँ। जने क्यों गए मम्मी? पता है मेरे को फोन करके वो क्या बोलता है मम्मी? ने ये बोलिया कि 2 दिन हो गए मुंडा दिखाया अभी गुनी। मुंडा दिखा के कर रही हैं? हैं मुंडा तो दिखा के कर रही हूं। थगड़ो बेटो ना तो फोन करे ना उठावे के एंजॉयिंग चल रही है। रिशला पापा तो बहुत एंजॉय कर रहे गाइस। के कर रहे तो और के रहे तो ना तो फोटो भेजो, मैं के गोंबा की फोटो तो भेजो, क्या आके दिखाऊंगा। कल परसों आ जाएंगे। कल आ जाओगा? कल आ जाएंगे शायद। बहुत मजा लिया जिंदगी। रात को भी आ जाएंगे या कल आ जाएंगे? ऐसा है जना मम्मी नहीं लगा मैंने फोन कर रहा है सब वेर तंगा का सार कठो गागरिया ले आवे कठो लुगड़ा ले आवे कठो पजामा ले आवे गाइस बहुत ले आवे सर पजामा का पत्ता बना लिए मैं। पिपड़ का सा पत्ता को नहीं है डिजाइन है बेने सुरेश वो पता क्या क्या मैंने पजामा देख देख के कि पैर है तू भाई जीव सुरो मेरो हो ये लग गया जियो कोई ढीला ढीला पैर में लिए मैं कह रखे हैं। हां के शायद सगड़ा ढीला 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 माने मिला गिला दियो सुरेश को होंगे। मम्मी ने भी मिला लेशो अभी या फिर कल? अब तो अंधेर हो रहे गाइस, अब तो अंधेर हो रहे अब भी कौन जाए। तो मम्मी है के कल ही जाए क्या? ऋषभ है। ऋषभ कहाँ है? ऋषभ हाँ ऋषभ तो है ना पढ़ाई कर रहा है। आप बोलो भाई साहब, बोलो भाई साहब। ऋषभ भाई साहब, ऋषभ भाई साहब बोलो ना। आप कौन है? क्या बोले आप कौन हो? है वो कौन है? दादू 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 आप जूस पी के आए हो क्या?
आपने जूस पी रखा है? क्या कर रहा? आइसक्रीम खाई है नॉटी? आइसक्रीम खाई है ना आपने? हाँ मुझे सब पता चल गया आपने आइसक्रीम खाई है। दादू दे हसी। यश्विनी का पूछो, यश्विनी का है? यश्विनी का पूछो। यश्विनी किस 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 जीजा किस जीजा? बड़ी मम्मी बोलो। बड़ी मम्मी हा? बड़ी मम्मी हा? बड़ी मम्मी नन्नी मम्मी बड़ी मम्मी कि नन्नी मम्मी बड़ी मम्मी नन्नी मम्मी कदे कदे तो बोल जाए कदे। हाँ रिचुमी रिचुमी कि रिचुमी रिशु की मम्मी कौन हूँ मैं? रिचुमी दे मम्मी। अच्छा मम्मी काट लिया क्या? मम्मी काट लिया हमारा। सर्दी स्टार्ट हो गई है मम्मी के। बूटी आ गया पापा। पापा थे भी इशलियो है मम्मी। पापा ये सोच रहे देखो सिर्फ लगा के मम्मी अलमारी साफ करी है। सुंदर घर मेरे पूरा काम मम्मी। गाइस मम्मी एकदम तैयार हो रहे हैं। नहीं कमर को मन दे रहा हूँ मैं। अरे अरे आज लेकिन काई क्यों काई मिल गई देख दो इतना उछालिए कर रहे क्या? अब बता मेरे बिना उछालिए कर रहे क्या? ना वे तंदे के सगड़ा था लाग जाने उछालिया मन देख के सगड़ा उछालिया करवा लाए जाए तन देख के एक्टिव हो जाओ। दे एक्टिव जाओ थोड़ी घणी देर आया करो जो एक्टिव कर जाया करो आप एक्टिव की मम्मी के थोड़ी देर आके और एक्टिव कर जाया कर। और मम्मी है ना आपका बेटा ने फोन करके बुलाओ जल्दी से जल्दी। अरे अरे हाँ देखो और अरे बस बस लाग जाओगी फुल एक्टिव हो गया तो बाय बाय गुड नाइट। लाइक करो और शेयर करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो भर भर के। बड़ी मम्मी को कमेंट करो। मटर खिलाए के खा लो। आज मम्मी के मेस में चल रहे हैं मेथी के पराठे। बताओ और सिर्फ कितना ही चल रहे पापा तो नहीं बात पड़े और कोई कौन घास के तक बेन है। गाइस टाइम बहुत लगता है। मेरा पति मेरे बारे में सोचता है। गिर गया बुलाओ मुझे तो दो। टाइम के साथ घी भी लगता है। टाइम लगता है गाइस घी का तो घी का तो वो कोई नहीं है लेकिन टाइम लगता है। टाइम से मैं इतनी देर खड़ी नहीं हो सकती इसलिए इसलिए मेथी के पराठे चलेंगे। तो पापा जी तो हो गया तो सारी छूट दिया फिर बार बार। हाँ ठीक है बताइए क्या बताइए कोई बताइए बताइए मम्मी हाँ ये कैसे बनाएंगे उसका तो बना के चलो वीडियो यार ऐसे क्या करते हो मेथी का परांठा। मम्मी पापा के लिए मेथी का परांठा बना दे। पापा और मम्मी खुद है ना क्वालिटी चीज है पापा और मम्मी खाओ है इनमें बता दे सुखाई कर दे इन्हें इन गूंद ले सो आटा का माइन है घी सच्ची कमाई गाइस ऐसे कैसे गूंद लेंगे ऐसे कैसे बन रहे हैं गूंद लेंगे। आज तो मम्मी चमक रहे हो थे नई नवेली दुल्हन की जैन का लाग रहे हो कच्चो कच्चो सूट पहन के लाल लाल कलर का। पुरानी यादें आ गई पुरानी यादें ताजा कर लेते हैं। बीननी वाली मार बीननी तो बीननी बनाई कोनी गाइस जब मम्मी बन जाए मेरी बन के देख ले बीननी पे थे क्या बनिया करता बताओ रूम तो कतो राखता रूम तो राखता कितो अच्छे से राख हैं ये लागदा मम्मी ते तो बीननी बने रहा इससे सुंदर लागो। आज मम्मी को बनाई हमने बीननी आज का थंबनेल हमारे घर में आई नई बीननी आज आज हमारे घर में आई है नई बीननी और नई बीननी ने आज स्टार्ट किया है मीठे से स्टार्ट करना चाहिए था मम्मी फिर ना थे तो वो भी कच्चा कच्चा हो
मगर चिराना के माई जावा जत्ती बार सकले लुगाया के भाई फिरती की बीननी तो बीन फिरती की बीननी नहीं फिरती की सासू तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हाँ शर्मा मरा सब के पूजा का ब्याह मारे हेपू का ब्याह मासी ने प्रीति की सासू तो मैं तो है ना पीछे हो जिशा सही में। अरे हम तो गाड़ी देखो जना के शजोरदा लाग रहे थे बुढ़ी बड़ी नाम लगाओ ना ना बहुत सुंदर लगो थे तो और तो ते केयर कौन करो ब्यूटी पार्लर बन जाओ नहीं तो ब्यूटी पार्लर में जासे तो जाने जाने एकदम रेडी हो के चाल से है फेशियल करा छो। हां मेरा ब्याह में कौन कराई मैं तो फेशियल थे ब्याह मेरे जैसे ही कोनी अरे फेशियल जच्चा कोनी है। ठीक है गाइस अब मैं बच्चों को दिखा के आऊंगी हॉस्पिटल करा रखा है गाइस आज का ना था तो आईब्रो करा रहे सकी लगे उल्टा ही मोटा रहे मैंने भी ये लगे हाँ भाई उल्टा ही पतला हुआ जना एकदम ही चिन्ह सा हो जाए। तो गाइस मम्मी के पास जाके आ गई और जो मेरे पुराने बच्चों के कपड़े थे वो भी मैं देके आ गई। अब फटाफट से घर पे जाके मैंने बच्चों को बुलाया है वहाँ पे गार्ड साहब के पास में क्योंकि है ना दोनों बच्चों को मेरे को है ना जैसे मैंने आपको बताया था ना जुकाम हो गई तो डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी क्योंकि ऋषु के पापा भी कल आने वाले हैं तो उनसे पहले पहले मैं थोड़ा सा सही कर दूँ बच्चों को नहीं तो पता वो क्या बोलेंगे कि मेरे जाते ही तूने जुकाम कर दी। तू तो नहीं बोलते सॉरी आपने आप ही बोलते क्यों हुआ चांद आज है मेरा चांद। अच्छा पॉप पॉप फोड़ के आएगी क्या अरे यहाँ बैठे बैठे फोड़ लेना गाड़ी में हाँ अंदर फोड़ लेना आप। यशविनी आप रोई क्यों हो दिखाओ एक बार मुझे मुंह दिखाओ दिखाओ मुझे रुलाया मेरे चांद को भाई साहब रुला देता मेरे चांद को भाई साहब अभी तो तो यशविनी ऐसे बोल रही है भाई साहब ने रुलाया अब पोपो फोड़ने लग गई बताओ चले आप डॉक्टर के पास अच्छे वाले डॉक्टर के पास चलेंगे जहाँ पे यशविनी को इंजेक्शन मिलेगा आधा कप गर्म पानी करके दो चम्मच डाल के फिर पिलाना है क्या हुआ यशविनी क्या देख के आई हो डॉक्टर को देख के आई हो डॉक्टर डॉक्टर ने क्या बोला आपको क्या नहीं खाना दही नहीं खाते यशविनी दही से आप बीमार हो गई हो और ऋषभ का तो इंजेक्शन भी लगेगा अभी देखना अंदर जाएगा नहीं इंजेक्शन लगा के आएगा यशविनी लेके आई अपनी दवाई घर पे जाके खाना खा के क्या लेगी दवाई भाई क्या कौन सा खारी वाली खारी वाली इसके अंदर खारी वाली है इसमें तो मीठी वाली है और भाई साहब वाली खारी वाली है ठीक है इसके अंदर ऑरेंज कलर की है हाँ भाई साहब को है ना टैबलेट मिली है चलो ऋषभ बच्चों को गाइस मैंने दिखा लिया डॉक्टर के डॉक्टर ने यही बोला कि है ना वायरल है मतलब अभी खांसी जुकाम चल ही रही है बच्चों के तो नॉर्मल है सही हो जाएगा और हमारा ऋषु है ना यार सबसे पहले ऋषु सही हो ना तब सही रहे बताऊँ क्यों क्योंकि उसका रीज़न ये है इसका एग्ज़ाम आने वाला है तो आज कल्पना मैम ने मेरे को स्पेशली बोला था कि फटाफट से ना इसको दिखा के और ना दवाई दिला के इसको सही करो क्योंकि इसकी आवाज़ निकल ही नहीं रही जाम हो गई क्योंकि ये ना पता है क्या करता है साइकिल चलाता है और साइकिल चलाने के बाद में इसके पसीने आते हैं और फिर घर पे आके ये पानी पी लेता है तो उस रीज़न से इसकी जो पूरी की पूरी आवाज़ है ना वो बैठ गई तो अब मैं इसको यही समझा रही हूँ कि अगर पानी पीना भी हो ना तो गर्म पीना देखो अब क्या होता है मैं तो गरम पीती हूँ क्या हाँ यशविनी गरम पीती है और पता है डॉक्टर ने एक स्पेशली ये भी बोला है कि छाछ दही और जो भी खटाई की चीज़ है ना वो बिल्कुल भी दोनों बच्चों को मत दो नहीं तो है ना ये और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे तो ऋषभ तो मेरे को ऐसे लगता है मान गया क्योंकि इसके इंजेक्शन भी लगा है यशविनी के हमारे इंजेक्शन नहीं लगा यशविनी लगा या नहीं लगा यशविनी के तो नहीं लगा मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं मेरे को तो कुछ करा ही नहीं है यशविनी को नाम पूछा और इसके ना वो एज पूछी तो यशविनी ऐसे बोले मेरे को तो यही बोला और तो मुझे मेरे साथ कुछ करा ही नहीं बट है ना यशविनी को है ना छाछ के लिए और दही के लिए मना किया डॉक्टर ने है ना यशविनी ये तो बताओ डॉक्टर ने किस चीज के लिए मना किया है छाछ पसंद है पसंद तो है पर डॉक्टर ने क्या बोला छाछ खा सकते है और क्या बोला दही नहीं खा सकते छाछ खा सकते है नहीं दही और छाछ दोनों ही चीज नहीं पी सकते नहीं तो है ना ऋषभ भाई साहब नहीं है क्या उसकी जैसे आवाज हो जाएगी आपकी
और फिर है ना पता है इंजेक्शन लगाना पड़ेगा आपके भी, पर है ना आप तो सही हो जाओगे, मुझे सब पता है, आप ना दही छोड़ दोगी है ना। हाँ यशविनी हमारे बहुत ज्यादा समझदार है, देखना छोड़ देगी। और गाइज है ना हमारा जो उस वाले घर का, अर्जुन मेना वाले घर का इनोग्रेशन था 24 और 25 का, वो अभी पोस्टपोन हो गया, अभी डेट वगैरह फाइनल नहीं हुई है। जो भी डेट निकलेगी वो आपको आगे देखने को मिलेगी, क्योंकि मेरे पास है ना कमेंट आ रहे थे कि आपका वो इनोग्रेशन कब का है। ओके ठीक है, सब मैं घर पे पहुंचती हूँ ना, और इनोग्रेशन की जो भी डेट आएगी ना मैं आपको जरूर बताऊंगी, आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। सब्जी लिया आज, दही नहीं लिया, छाछ भी नहीं लिया, ये पालक की सब्जी है जो ऋषभ खा रहा है, और ये इसकी है भिंडी की सब्जी। आज मैं छोटे छोटे बाइट दे रही हूँ दोनों बच्चों को। हाँ यशविनी कौन सी खा रही है, पनीर की सब्जी खा रही है यशविनी, है यशु। और घी वगैरह मैंने नहीं लगाया क्योंकि चौपड़ने का एकदम ही मना कर दिया। गाइस आज है ना मैंने ये केटल निकाल ली, क्योंकि है ना आप सबको पता ही है बच्चे बीमार हो रहे हैं, और बच्चों को दवाई वगैरह दे दी, और रिशु तो मेरा सो भी गया, बट मेरी जो यशविनी चांद का टुकड़ा है ना वो अभी तक सोई नहीं है, उसको मैं सुलाऊंगी, जैसे कि आप सबको मैंने बता रखा है, इसको चिपका के सुलाऊंगी ना तभी ये सोएगी। और व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, 11:30 बज चुकी है, कल का संडे है, आराम से उठेंगे, और आज का जो व्लॉग है स्टॉप यहीं पे ही होगा। होप सो आज का व्लॉग आप सबने इंजॉय किया होगा, अगर इंजॉय किया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है गाइस, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।